तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग सीखते हैं आज अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट नंबर 6। और गाइस ये अपना लास्ट पार्ट है, इसमें हम लोग जानने वाले हैं SHE के बारे में, फिर उसके बाद हम जानेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। और ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है, बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। एक टेबल इसमें आपको मैं बताऊंगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। और गाइज उसके लिए आपका लास्ट में इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं है, मैंने पूरा आपको बुक में का जो नोट्स है उसी को आपको दिखाया है, कुछ नहीं है स्टार्टिंग में, बहुत चिंदी है। मैं आराम से आपको दिखा दूंगा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में आपको जानना है बस, और SHE के बारे में जानना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। लेकिन जब मैं लास्ट में इसी वीडियो को लास्ट आप जरूर देखना, जब आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दिखाऊंगा ना अभी, आपको उसको पूरा देखना है, कंफ्यूजन आपका पूरा दूर हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब क्या होता है सब आपको सीखने मिलेगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट नंबर 6 लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ गाइज मैं आपको बता दूं कि हम अपने केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब खत्म कर चुके हैं। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये सारे चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं। तो गाइज आपको भरोसा नहीं होगा, हमने 6 इधर 6 इधर सारे चैप्टर खत्म कर दिए हैं, ठीक है। सो मतलब अपने गाइज चैप्टर टोटल 12 चैप्टर हमने खत्म कर दिया केमिस्ट्री के अंदर। और आप कितने पढ़ के हुए हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। 12 चैप्टर हमारे केमिस्ट्री खत्म हो गए हैं, यानी कि हमारा 90% सिलेबस हो चुका है। अब आपको बताना है कि कितना आपका पढ़ के हुआ है, आपको ये बताना है। फिजिक्स में भी गाइज हमारे कितने हो गए, 9 चैप्टर खत्म हो गए। बायोलॉजी में अपने 8 चैप्टर खत्म हो गए, और मैथ्स में अपने 4 चैप्टर खत्म हो गए। तो ये सारे आपके कितने पढ़ के हुए, 12th में आप कितने मार्क्स ला पाओगे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, ठीक है। तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ते हैं। देखो गाइज मैं तुमसे आगे चल रहा हूँ, तुम लोग कितना पीछे चल रहे हो। अगर तुम मेरे साथ साथ में वीडियो जो बना रहा था वैसे भी अगर आप पढ़ोगे तो भी आप बहुत फायदे में रहोगे। अभी भी कोई समय गया नहीं, अगस्त महीना है, अभी भी टाइम है, अभी भी स्टार्ट करोगे तो कोई लेट नहीं होगा। रोज कम से कम अगर 4 वीडियो भी मेरी देखते हो तो आराम से आप पढ़ लोगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बारे में हम पहले जानते हैं कि गाइज एग्जैक्टली क्या होता है। तो गाइज मैंने आपको पहले ही बताया था कि 2 आपके पास यहाँ पे हाफ इलेक्ट्रोड यानी हाफ सेल हम इस्तेमाल करते हैं। यहां से एक आपके पास इलेक्ट्रोड रहेगा, यहां से आपके पास दूसरा इलेक्ट्रोड रहेगा। ये दोनों इलेक्ट्रोड एक पोटेंशियल के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे, और इनके बीच में एक हमारे पास होता है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, जो कि आयंस के मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो गाइज ये है आपका एक हाफ सेल, ये दूसरा हाफ सेल, मे बी इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा हो, ठीक है, और मे बी इसके अंदर रिडक्शन हो रहा हो, ठीक है। अब अगर मान लो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो अगर मान लो ऑक्सीडेशन की वजह से जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ उसे हम लोग पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन यानी फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं, और इसे हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। इन दोनों का ऐड कर दूंगा तो मुझे पूरा सेल का पोटेंशियल मिल जाता है, हमें क्या मिलता है, टोटल सेल का पोटेंशियल मिल जाता है। तो गाइज अब यहां पे मैं बताता हूं कि ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है। सपोज दैट गाइज अगर मान लो कोई भी इनमें से एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मैं 0 रख दूं, क्या कर दूं, 0। सपोज दैट मैं मान लो इसी के पोटेंशियल का इलेक्ट्रोड 0 रख देता हूं, इसी इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का जो भी मतलब इलेक्ट्रोड है इसका पोटेंशियल 0 रखता हूं, तो क्या मैं अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड कर पाऊंगा। और अगर मैं फाइंड कर भी पाता हूं, मान लो रिडक्शन वाला पोटेंशियल 0 हो गया, तो मेरा पूरा सेल पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, ईएक्स के ऊपर, क्योंकि फिर ये अपना सेल पोटेंशियल डायरेक्टली इक्वल हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, समझ गया। मतलब अपना जब अगर मान लो एक कोई भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल अगर आप 0 रखते हो तो इसका वो दूसरा जो अपना सेल पोटेंशियल होगा टोटली अदर वाले के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। चाहे अगर आप ऑक्सीडेशन को 0 रखते हो तो रिडक्शन के ऊपर डिपेंड होगा सेल पोटेंशियल, और अगर आप लोग रिडक्शन पोटेंशियल को 0 रखते हो तो सेल पोटेंशियल अपना ऑक्सीडेशन के ऊपर 0 हो जाए, ऑक्सीडेशन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो गाइज अब ऐसे टाइम पे आप सेल पोटेंशियल कैसे फाइंड करोगे, जब आप एक पोटेंशियल को 0 रखते हो तो कैसे फाइंड करोगे आप लोग। तो उसी के लिए गाइज हमें एक रेफरेंस चाहिए रहता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। और इसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से हम लोग ना अपना सेल पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड नहीं यूज करते हो तो फिर आपको इसको इसकी जगह में सीधा 0 लेना पड़ेगा, और अगर आप 0 लेते हो तो फिर तो आपका सेल पोटेंशियल फाइंड करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो गाइज इसके लिए और अपना ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर मान लो रिडक्शन का पोटेंशियल 0 हो गया तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, आपको पता भी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर डिपेंड होता है और रिडक्शन ऑक्सीडेशन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर जब तक ऑक्सीडेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होगा तब तक सामने वाला रिडक्शन जो करता वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, जब आप लॉस ही नहीं करोगे तो सामने वाला गेन कैसे करेगा। तो और ऐसे ही रिडक्शन वाला है कोई गेन कैसे करेगा जब तक आप लॉस नहीं करोगे। तो कोई भी अगर एक पोटेंशियल 0 हुआ तो सेल पोटेंशियल फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। सो इसके लिए गाइस हम एक क्या करते हैं, रेफरेंस इलेक्ट्रोड को रखते हैं, और वही रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है जो हमें सेल पोटेंशियल को फाइंड करने में हेल्प करता है।
फिलहाल गाइज हम लोग यहाँ पे जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करने वाले हैं, तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो होगा हमारा होगा SHE, यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि एक ऐसा इलेक्ट्रोड जो हाइड्रोजन से क्रिएट होता हो, जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस का जो आयंस होते हैं, हाइड्रोजन के जो आयंस होते हैं वो होंगे। जैसे कि मान लो अगर हाइड्रोजन है तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा तो ये बन जाएगा H+ बन जाएगा, दिस इज द हाइड्रोजन आयन, ठीक है। और इसे आप हाइड्रोनियम आयन भी कह सकते हो H+। फिलहाल ये कभी कभी प्रोटॉन के फॉर्म में भी वर्क करता है, क्योंकि H+ ही एक ऐसा आयन होता है जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते। बट अगर मैं Na+ लिखूं तो इसका मतलब ये नहीं कि Na+ के अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, Na+ के अंदर आपको 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिया, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन तो होते ही है उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो एक लॉस करेगा तो 10 ही बचेगा ना, तो इसका मतलब 10 इलेक्ट्रॉन तो है। बट इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एक ही होता है और वो भी लॉस कर देगा तो टोटल H+ बन जाएगा, यानी कि पूरा प्योर प्रोटॉन बन गया हो, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो गाइस एक चीज याद रखो कि जो SHE होता है, यानी कि सिंपल या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड, इसका जो पोटेंशियल होता है ना ये जीरो होता है, इसका पोटेंशियल आपका जीरो होता है। बट इसके अंदर सॉल्यूशन तो भरा होता है, उस सॉल्यूशन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे फॉर डूइंग दी और फॉर कंप्लीटिंग दी आवर सेल पोटेंशियल मेजरमेंट, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, सेल पोटेंशियल का मेजरमेंट कैसे करोगे, उसके लिए हम लोग SHE का इस्तेमाल करेंगे, ओके। SHE यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये बनता कैसे ये सीख लो फटाफट। तो बस आपको वही, आप ये तो कोई याद करने कराने की बात नहीं, आप खुद से भी रीड कर लोगे। ये प्लैटिनम ब्लैक से बनता है, प्लैटिनम प्लेटेड कोटेड होता है, इसके अंदर प्लैटिनम ब्लैक कोटेड रहता है। देखो यहाँ पे प्लैटिनम ब्लैक, इसका पूरा मर्क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं, प्लैटिनाइज्ड प्लैटिनम प्लेट हम इस्तेमाल करते हैं और यही इसके अंदर कोटेड होता है, ठीक है। प्लैटिनम वायर, वेसल, कॉपर वायर, इन सब का इस्तेमाल करके हम लोग हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं, और जो कि वर्क करता है एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड, किसी भी सेल पोटेंशियल को फाइंड करने में यह मदद करता है। इसके फॉर्मुलेशन के बारे में जान लो, तो इसमें गाइस प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो यहाँ पे लाइन करके प्लैटिनम लिखा है ये कैटलिस्ट के फॉर्म में, और एक्चुअल जो है वो सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो गाइस H+ का मतलब हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस करके H2 बनाया, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन को इसने लॉस किया था और देन उसने H2 बनाया। तो ये इसका फॉर्मुलेशन होगा, इस तरीके से अपना हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फॉर्म होता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोड रिएक्शन, इलेक्ट्रोड में कौन सा रिएक्शन होगा, तो अगर मान लो गाइस दो हाइड्रोजन के आपके पास मॉलिक्यूल है तो दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तभी हाइड्रोजन बनेगा, दिस इज दी योर इलेक्ट्रोड रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोड में कौन सा रिएक्शन होता है, H+ तो पहले से रहता है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जब गेन करेगा तभी हाइड्रोजन बनाएगा, मतलब दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन। और ऐसे केस में गाइस यहां पे जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो जीरो रहता है, बट फिर भी रिएक्शन तो हो रहा है ना। अगर आप रेफरेंस यूज नहीं करोगे तो रिएक्शन ही नहीं होगा, यानी कि जो दूसरा वाला आपका इलेक्ट्रोड, मान लो इसका वाला जीरो नहीं है, इसका में ऑक्सीडेशन हो रहा है, और दूसरा वाला जो है इसमें अगर मान लो रिडक्शन हो रहा है, और इस पोटेंशियल को अगर मान लिया आपने जीरो ले लिया, तब तो फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना ही बंद हो जाएगा। अगर सेल पोटेंशियल चाहिए तो कम से कम रिएक्शन तो होना चाहिए ना भाई, भले पोटेंशियल एक का जीरो हो जाए बट रिएक्शन होना मांगता है। तो रिएक्शन हो बट पोटेंशियल जीरो रहे, इस केस में अपना SHE हेल्प करता है, क्योंकि SHE का भी पोटेंशियल जीरो ही होता है बट एटलीस्ट उसके अंदर रिएक्शन तो करवाता है ना वो, तो उस वजह से कम दूसरा अपना सेल तो वर्क करेगा, तो अपना जो इलेक्ट्रिक सेल है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो तो हम फाइंड कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है। अगर ये जीरो भी हो गया तो इसकी हेल्प से तो कम से कम मिलेगा। अगर ऐसे में हम लोग कुछ ऐसा इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करें जिसमें रिएक्शन भी ना हो और पोटेंशियल भी जीरो हो, तब तो हमारा ऑक्सीडेशन वाला भी नहीं होगा, तब तो हमें पूरा सेल का पोटेंशियल ही नहीं मिलेगा। बट ऐसे में कम से कम अगर भले हमको यहाँ पे रेफरेंस कोई इलेक्ट्रोड यूज करें, अगर उसका भले पोटेंशियल जीरो है बट अगर रिएक्शन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन को करवाएगा ना, क्योंकि अगर रिडक्शन नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो रिडक्शन नहीं होगा, दोनों दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का भी पोटेंशियल जीरो ही होता है बट वो ऑक्सीडेशन को कम से कम करवाता है, जिससे हमें हेल्प मिलती है रिएक्शन में, ठीक है। तो ये बातें आपको जाननी है। गाइस एप्लीकेशन क्या है SHE का, मतलब आपका जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इसका आपका एप्लीकेशन क्या है इसका, ठीक है। तो गाइस ये बात ध्यान रखो कि स्टैंडर्ड जो आपका SHE है, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, यह हमें हेल्प करता है टू डिटरमाइन द पोटेंशियल ऑफ द जिंक, जिंक के पोटेंशियल को हमें फाइंड करने में मदद करता है। जैसे कि मान लो अब यहाँ पे कोई भी एक रिएक्शन हो रहा है, जैसे कि ये ऑक्सीडेशन है, अभी जिंक ने क्या किया, यहाँ ये ऑक्सीडेशन है, जिंक ने लॉस किया दो इलेक्ट्रॉन तो Zn2+ बन गया, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो यहाँ पे देखो H2 बन गया इस तरीके से, और प्लैटिनम अपना कैटलिस्ट है, ठीक है। इस तरीके से अपना यहाँ पे रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो इसका जो आप लोग इलेक्ट्रोमोटिव आपको जो यहाँ पे मतलब रिएक्शन लिखोगे तो इसका कैसे लिखोगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सेल इज इक्वल टू आपका EH2 - EZn,
इजिकल टू माइनस ऑफ ईजेडन, क्योंकि जो आपका हाइड्रोजन वाला है वो जीरो है ना। देखो अगर मान लो ई नॉट ऑफ दिस सेल जो है वो इक्वल रहेगा, अगर मान लो वो इक्वल है किसके, आपके ई नॉट ऑफ द हाइड्रोजन माइनस ई नॉट ऑफ द जेडन के, और इसका पोटेंशियल जो E है उसकी वैल्यू जीरो होती है, ये तो हमको भी पता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, E नॉट ऑफ द जेडन और यहाँ पे E नॉट ऑफ द सेल आ जाएगा, ठीक है। यानी कि फाइनली E नॉट ऑफ द सेल क्या मिला, इजिकल टू माइनस ऑफ E नॉट ऑफ द जेडन, अपने को ये मिल जाएगा। दैट्स इट, समझ गया। ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ओके बहुत ज्यादा जरूरी भी है ये, ठीक है, इसी चीज को आपको समझ के रखना है। चलो अब गाइस मैं, आप बोलोगे कि यहाँ पे माइनस कैसे साइन आया, ये बातें थोड़ा सा देख लो अच्छे से कैसे माइनस आया, फिलहाल यहाँ पे प्लस होता है बट माइनस कैसे आया। तो गाइस एक भी एक चीज समझो, अगर मान लो आपके पास एक इलेक्ट्रोड है जिसका नाम है एनोड, ठीक है, जिसका नाम है एनोड, और एक इलेक्ट्रोड है जिसका नाम है कैथोड, ठीक है। तो आपको पता है कैथोड में थोड़ा थोड़ा अगर मान लो कैथोड में रिडक्शन हो रहा है, सपोज दैट कैथोड में रिडक्शन हो रहा है, कैथोड में रिडक्शन ही होता है, ठीक है। तो अगर मान लो कैथोड में रिडक्शन हो रहा है तो एक बात ध्यान रखो गाइस कि उसमें थोड़ा थोड़ा ऑक्सीडेशन भी होता है, और अगर एनोड में रिडक्शन आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसमें थोड़ा थोड़ा रिडक्शन भी होता है, भले लेस अमाउंट में हो। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दो, अगर मान लो एनोड में आपका रिडक्शन, मान लो अगर एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है और उसका ईएमएफ वैल्यू 2.304 है, ओके, तो जो रिडक्शन, अगर मैं बोलूं कि अब मुझे एनोड में रिडक्शन करवाना है तो उसका ईएमएफ वैल्यू कुछ बदलेगा नहीं, बट यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है, मतलब कि माइनस 2.304 आ जाएगा। समझ गया अच्छे से, ये बात समझी आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या किया था, इसके पहले क्या लिखा था कि ई नॉट ऑफ दिस सेल इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा था, ई ऑक्सीडेशन प्लस ई ऑफ, यहाँ पे हमने रिडक्शन लिखा था। अगर मैं गाइस बात करूं कि अपना रिडक्शन रिएक्शन ही हो, ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रहा है, सपोज दैट इन द केस ऑफ रेफरेंस ऑक्सीडेशन वाला जीरो है, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, तो मतलब ऑक्सीडेशन वाला रिडक्शन कर रहा होगा। सो इसका मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिखूंगा, माइनस ऑफ ई ऑफ रिडक्शन प्लस ई ऑफ रिडक्शन। अब लेकिन आप बोलोगे काट दो, नहीं, इसके अंदर जो रिडक्शन हो रहा है मे बी ये जिंक का हो रहा होगा, मे बी ये हाइड्रोजन का हो रहा होगा, तो कैसे काटोगे, ये दूसरा एलिमेंट है ना, तो कट नहीं कर सकती हो। हाँ बट इसको ऐसे तो लिख सकते हो ना कि ई ऑफ द रिडक्शन ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल माइनस ई ऑफ द रिडक्शन ऑफ द जिंक, ऐसा तो लिख सकते हो ना अगर ऐसा हो रहा है तो वही चीज तो यहाँ पे लिखा है, देख लो आप लोग। तो मतलब एक चीज आपको समझना है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आप रिडक्शन में लिखना चाहो तो यू कैन, बट माइनस साइन जरूर लगा देना। अगर आप चाहो तो रिडक्शन को भी ऑक्सीडेशन लिख सकते हो बट यहाँ पे माइनस साइन लगा देना, बस इतना ही कर सकते हो। किसी भी पोटेंशियल को आप चेंज कर सकते हो बस माइनस साइन लगा देने का, समझ गया। तो ये ट्रिक इसीलिए मैंने आपको लास्ट में बताने की सोची, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए यहाँ पे आप माइनस लगा सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये H2 का भी यहाँ पे आपको देखो ना, यहाँ पे H2 क्या कर रहा है, रिडक्शन ही तो कर रहा है, एच टू जो है रिडक्शन कर रहा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन के तभी ना हाइड्रोजन बना रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और जेडन भी तो आपका ऑक्सीडेशन ही कर रहा है, तो माइनस कर दो यहाँ पे, और रियल में रिडक्शन यहाँ पे जीरो है, माइनस आ जाएगा, यहाँ पे इतना वैल्यू आ जाएगी, दैट्स इट, खत्म कहानी। तो इसमें कुछ है नहीं, एप्लीकेशन खत्म। डिफिकल्टीज क्या क्या सकती है, तो गाइस आपको यार एक बात ध्यान रखो, इसमें हम करते हैं यूज करते हैं हाइड्रोजन गैस को, और भाई दुनिया में हाइड्रोजन गैस प्योर कभी मिलती नहीं है, ठीक है, ड्राई और प्योर ऑक्सीजन गैस हमें कभी मिलती नहीं है। दूसरी बात, एग्जैक्टली कभी भी हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जल्दी बना नहीं पाते हैं, वो तो हम कहने के लिए स्टैंडर्ड कह देते हैं कि चलो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बट रियलिटी में क्या हम कर पाते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो ये बहुत सारी डिफिकल्टी है, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का होना बहुत जरूरी है, और प्योर और ड्राई हाइड्रोजन गैस का होना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं होंगे तो हमारा FHE प्रॉपर वर्क नहीं करता है। इस तरीके से गाइस हम लोग अगर मान लो ये इलेक्ट्रोड वर्क कर रहा है और यहाँ का इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जीरो है, तो उसके जगह में हम अपना SHE का इस्तेमाल कर सकते हैं एट प्योर हाइड्रोजन गैस एंड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें से H+ आयन अपना थोड़ा बहुत रिएक्शन करवाएगा और रियल इलेक्ट्रिसिटी हमको ZnSO4 से प्राप्त होगी, यानी कि रियल जो इलेक्ट्रिसिटी होगी ZnSO4 से अचीव की जाएगी, समझ गया। तो ये है आपका पूरा FHE का कमाल, ठीक है। तो ये चीजें गाइस आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, यही है आपका SHE और कुछ नहीं। अगर आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करो तो आपके पास देखो वही हाइड्रोजन है और प्लेटिनम को, ये तो आपका कैटलिस्ट हो गया, लिखो चाहे मत लिखो, तो ये आपका यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, H+ है ना, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनेगा, H2 बनाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 2 लिखते हो तो 2 लिख दो, दैट्स इट, H2 बनाएगा इस तरीके से। तो इलेक्ट्रोड रिएक्शन देखो वही चीज यहाँ पे रिएक्शन हुआ, बगल में मैं क्यों करूँ जब बगल में मैंने यहाँ पे कर दिया, चलो फिलहाल यहाँ पे लिखा भी है इतना चिंदी। और एट 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या मिलेगा, हाइड्रोजन का अगर आप सेल पोटेंशियल और स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ दिस सेल अब कहां पे फाइंड करोगे, आप 25 डिग्री सेल्सियस पे फाइंड कर रहे हो, तो 0.0592 और अपन n के जगह में नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 2, तो 2 लिख दो, और pH2 यानी कि आपका वही प्लेटिनम वाला जो pH2 है, pH2 अपन हाइड्रोजन प्लस,
ये लिख दो पीएच टू अपॉन एच प्लस टू, वो लिख दो और ये इसकी वैल्यू अगर ये सेम सेम है तो कट जाएगा और आपका यहाँ पे पोटेंशियल जीरो आएगा, दैट्स इट, टोटल जीरो, टोटल वैल्यू ही जीरो मिल जाएगी, समझ गया। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। सो ये सारी चीजें आपको कंडीशंस गाइस अच्छे से याद रखनी है। तो देखो यहाँ पे अगर आप फाइंड भी करना चाहो, देखो मैं आपको सिखाता हूँ अच्छे से, फिर से एक बार बताता हूँ। देखो अगर मान लो पीएच टू कोई भी एक प्रोडक्ट है, देखो ना यार प्रोडक्ट में प्रोडक्ट वाला ऊपर लिखती है, पता है ना प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और ये हाइड्रोजन प्लस आयन ये आप कहाँ पे देखो रिएक्टेंट में उसको नीचे लिखते हैं, ये लिख दिया मैंने नीचे इसको, ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और ये आपको 25 डिग्री सेल्सियस पे है और हम लोग को पता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। तो इसके जगह में मैं जब जीरो पुट करूंगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो क्या मिलेगा मुझे, -0.0592/2 log to the base 10 PH2/H+2 यही मिलेगा ना, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल ऑफ द सेल, कौन सा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड जो होता है वो तो जीरो होता है ना, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलो गाइस दो सबसे मेजर आपको यहाँ पे डिफरेंसेस के बारे में बता दूं, प्राइमरी वोल्टाइक सेल के बारे में और सेकेंडरी वोल्टाइक सेल के बारे में। गाइस एक बात समझना अच्छे से कि प्राइमरी वोल्टाइक सेल में हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो भी सेल हो, ये दोनों गैल्वेनिक सेल है, ये दोनों गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल है, बात ध्यान रखो दोनों गैल्वेनिक सेल है, ये एप्लीकेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। दोनों में सिर्फ डिफरेंस इतना है कि प्राइमरी सेल को आप चार्ज नहीं कर सकते हो, बट यू कैन चार्ज सेकेंडरी सेल, इसको आप चार्ज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए वोल्टाइक सेल याद रखना और इसमें एग्जाम्पल के लिए ड्राई सेल याद रखना, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, इसको आप चार्ज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन रिवर्स होता है, रिवर्स ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन को आप रिवर्स कर सकते हो। मान लो अगर इधर से एक बार इलेक्ट्रॉन ऐसे गया तो आप इसको वापस से इधर भी भगा सकते हो, तो मतलब जो चार्ज इधर गया उसको इधर घुमा दो तो फिर से बैटरी चार्ज हो जाएगी, समझा, तो आप इसे वापस फिर रिचार्ज कर सकते हो। बट आप वोल्टाइक सेल को जो यहाँ पे प्राइमरी वाला है इसे आप रिचार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो रिवर्सल होता है वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता है, कैन नॉट रिचार्ज, ठीक है, किसमें पॉसिबल, आपका बिल्कुल भी रिचार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन का रिवर्सिबल फ्लो पॉसिबल नहीं है प्राइमरी में, बट सेकेंडरी में पॉसिबल है। तो इसके लिए थोड़ा सा इनके डिफरेंसेस है आपको जान के रखनी है, ठीक है। चलो अभी गाइस थोड़ा सा मैं आपको निकल कैडमियम और निकार्ड स्टोरेज के बारे में बताता हूं, या फिर मर्क्यूरी बैटरी, पहले मर्क्यूरी के बारे में समझ लो। मर्क्यूरी में क्या होता है, जेडन एच जी यानी जिंक मर्क्यूरस, आप इसे ऐसा कह सकते हो, ठीक है, जेडन एच जी, और इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप के दो इस्तेमाल करोगे तो रिएक्शन आपका, अब रिएक्शन समझाऊं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जेडन ओ एच, यहाँ पे जेडन ओ और एच टू ओ और दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ये आपका एनोड ऑक्सीडेशन, और एच जी ओ एच टू ओ और इलेक्ट्रॉन, ये आपका एच जी, ये कैथोड ऑक्सीडेशन, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम सेम, वाटर वाटर सेम सेम, क्या मिलेगा जेडन और OH, ये इधर से, और इधर से क्या मिलेगा आपको ZnO और Hg, देखो इधर से, this is the overall reaction, this is for mercury battery, this is for the nickel cadmium के लिए देख लो, nickel cadmium में निकार्ड स्टोरेज होता है, निकार्ड, निकार्ड स्टोरेज सेल एक होता है, ठीक है, जिसके अंदर निकल इस्तेमाल हम करते हैं, निकल ऑक्साइड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। निकल ऑक्साइड जिस सेल में इस्तेमाल होता है उसे हम निकार्ड स्टोरेज सेल कहते हैं, ठीक है, ये बातें आपको समझनी है। इसके अंदर क्या होता है, कैडमियम दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिएक्शन करता है और क्या बनाएगा, कैडमियम कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और निकल डाइऑक्साइड जो है आपका, या निकल ऑक्साइड भी आप कह सकते हो, ये वाटर से रिएक्शन करेगा और दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा निकल हाइड्रोक्साइड एंड दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाहर भगा देगा। अब यहां पे देखो ये सेम, और आपको बाकी तो कोई चीज सेम दिख नहीं रही है, हाँ यहां से देखो ये और ये सेम दिख रहा है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट आप काट सकते हो, ये बात ध्यान रखना। तो यहां से क्या मिलेगा, कैडमियम और निकल आपको मिल जाएगा, प्लस दो वाटर भी बचा ये भी मिल जाएगा, और प्रोडक्ट में क्या बन गया, CdOH2 बचा वो लिख दो, और यहाँ पे आपको NOH2 बचा ये भी लिख दो, दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन फॉर द निकार्ड स्टोरेज सेल। इतनी चिंदी फी चीज है, इसमें क्या समझाना। अब गाइस बढ़ते हैं हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल के लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए बढ़ते हैं, ये क्या होता है कैसे होता है थोड़ा समझो। गाइस एक बात ध्यान रखो, रेडॉक्स रिएक्शन में जब आपके सामने रेडॉक्स रिएक्शन होता है तो आपको पता है कि इसके अंदर साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और इसके अंदर साइमल्टेनियसली रिडक्शन दोनों होती हैं, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और साइमल्टेनियसली रिडक्शन दोनों होती हैं। वी नो दैट गाइस कि इन द केस ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गाइस यहां पे ध्यान रखना है देयर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन द केस ऑफ रिडक्शन रिएक्शन देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे क्या होता है देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और अगर इन दोनों रिएक्शन को मैं कंबाइन कर दूं तो दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन। एक एक एग्जांपल देना चाहूंगा फॉर द ऑक्सीडेशन गाइस, सोडियम याद रखना, सोडियम में क्या होता है ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है और यहां इन्हें प्लस बनाता है। इन द केस ऑफ रिडक्शन रिएक्शन यहां पे क्या होता है, आप जिसे क्लोरीन ले लो, और क्लोरीन क्या करता है, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्लोरीन के बारे में याद कर लो। क्लोरीन क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, देखो गेन कर लिया और यहां पे क्लोरीन बनाता है, समझ गया अच्छे से।
तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो दिस इज दी रिडक्शन, ये रिडक्शन है और ये आपका ऑक्सीडेशन है, ठीक है। चलो अब अगर मैं कोई रिडॉक्स रिएक्शन की बात करूं तो आपको थोड़ा समझना है, यहाँ पे ध्यान दो। अगर मैं गाइस मान लो Mg प्लस Br2 लेता हूं और यहाँ पे मैंने बनाया MgBr2, अगर मैंने ये कोई भी रिएक्शन लिख दिया, दिस इज दी ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे समझते हैं, पहले Mg के बारे में जानो, यहाँ पे आ जाओ। पहले Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, दो इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, लॉस कर देगा, दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो क्या बनाएगा, Mg2+ बनाएगा, ठीक है। और इसने दो इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लॉस कर दिए, ठीक है। तो ये बन गया कटायन, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यानी कि इसने ऑक्सीडेशन परफॉर्म किया। और इन द केस ऑफ गाइस ब्रोमीन, ब्रोमीन इज द हैलोजन ग्रुप एलिमेंट, और ब्रोमीन जो हैलोजन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो ब्रोमीन क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे फिलहाल बढ़ते हैं, तो Mg ने क्या किया, ये क्या करेगा, Mg यहाँ पे प्लस बनता है और Br यहाँ पे माइनस बनता है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, Mg हमेशा 2+ बनेगा, बिकॉज 282 होता है ना, तो दो इलेक्ट्रॉन ये लॉस करता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या बनेगा, Mg2+, यानी कि Mg ने यहाँ पे क्या किया है, ऑक्सीडेशन किया है, ऑक्सीडेशन, यानी कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, Mg अपना ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। और ब्रोमीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया ना, यानी कि ये क्या हुआ है, रिडक्शन किया इसने, यानी कि ये क्या हुआ यहाँ पे, इट इज रिड्यूस्ड, ये क्या हुआ यहाँ पे, रिड्यूस हुआ है, ये आपका रिड्यूस्ड हुआ है, ठीक है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलो तो गाइस आपको एक बात बता दूं, ध्यान रखना अच्छे से, ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीडाइज हुआ है इसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट, और इसे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग इसे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप बोलोगे ऐसा क्यों, ये तो रिडक्शन कर रहा है, खुद ये रिड्यूस हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों, और ये ऑक्सीडेशन किया है, ये ऑक्सीडाइज हुआ, ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों, ऐसा क्यों हुआ। तो एक बात ध्यान रखो, अगर Mg के बगल में Br नहीं होता तो क्या Mg अपने दो इलेक्ट्रॉन लॉस करता, नहीं करता। अगर Br के बगल में Mg नहीं होता तो क्या Br दो इलेक्ट्रॉन गेन करता, Mg ने अपने दो इलेक्ट्रॉन Br को दिए हैं, पता है ना, तभी तो Mg प्लस बन गया और Br माइनस बन गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ओके। जिसमें देखो इसका कैसे कंपाउंड बनेगा, Br बॉन्ड Br, इसने दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए ना अपने जो Mg, उसने दो इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो एक इसके पास जाएगा, एक इसके पास जाएगा, इसीलिए ये माइनस बनाएगा और ये 2+ बनाएगा, क्योंकि ये चार्जेस ऐसे बनेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अगर Br के बगल में Mg नहीं होता तो ये दो इलेक्ट्रॉन कहां से गेन करता अपना, Br नहीं करता, और अगर Mg के बगल में Br2 नहीं होता तो ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता, यानी कि Mg के दो इलेक्ट्रॉन लॉस करने का कारण कौन है, Br2 है, और Br2 के दो इलेक्ट्रॉन गेन करने का कारण Mg है, समझा कि नहीं। यानी कि इस जो Mg है, Mg ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है ना, यानी कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसको Br ने इसको लॉस करवाया है, रिडक्शन किस जिसके ऊपर रिडक्शन हुआ है उसने इसको रिड्यूस करवाया है, समझ गया, इसको ऑक्सीडाइज करवाने का काम ये आपका रिडक्शन वाले ने किया है, इसीलिए इसको आप रिड्यूसिंग एजेंट कहते हो, एजेंट, ठीक है। और अब देखो यहां पे इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पे अपना जो Br2 है, Br2 ही वो कारण बना है, वो रीजन बना है जिसके वजह से अपना जो Mg है उसने दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, यानी कि Br2 ने इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, मतलब एक ऐसा कर दिया कि तू ऑक्सीडाइज अब करेगा ही करेगा, समझा, यानी कि Br2 ही वो रीजन है, Br2 ही वो कारण है जिसके वजह से Mg ने अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, यानी कि Mg ऑक्सीडाइज हुआ है, इसीलिए Br2 को मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहूंगा, और Mg ही वो रीजन है जिसके वजह से Br2 ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किया, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं ना, तो Mg ही वो रीजन है जिसके वजह से Br2 अपना रिड्यूस हुआ है। अगर समझ लो Mg नहीं होता तो Br2 कैसे दो इलेक्ट्रॉन गेन करता, नहीं करता ना, तो Mg ही वो रीजन है जिसके वजह से Br2 ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसीलिए Mg इज द रिड्यूसिंग एजेंट, Mg ने इलेक्ट्रॉन को रिड्यूस कर दिया, और Br2 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ गया अच्छे से, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि Br2 अगर नहीं होता तो Mg कभी अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस नहीं करता, और लॉस नहीं करता तो कभी ऑक्सीडाइज नहीं होता, तो ऑक्सीडाइज क्यों हुआ है, क्योंकि Br2 बगल में था, इसीलिए Br2 कौन है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिधर भी जाएगा सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी कि जिधर भी जाएगा उधर सामने वाले से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी कि वो क्या करता है, रिड्यूस होता है, खुद वो रिडक्शन कर देता है, रिडक्शन होता है उसका, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। देखो फिर से रिपीट करूंगा,
अगर देखो यहाँ पे Br2 ने इलेक्ट्रॉन गेन किया फ्रॉम दी Mg, Mg ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया टू दी Br2। समझ गया अच्छे से, यही होता है यहाँ पे, यही हो रहा है। और इसीलिए Mg क्या क्या हो गया यहाँ पे, Mg ऑक्सीडाइज हुआ, यानी कि ये ऑक्सीडाइज हो गया और Br2 ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, यानी कि ये रिड्यूस हो गया। सिंपल सी बात है। सो यहाँ पे क्या हुआ है, Br2 ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, Mg ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया, Mg इलेक्ट्रॉन लॉस करके ऑक्सीडाइज हुआ, Br2 इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस हो गया। तो गाइस यहाँ पे Br2 को मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहूंगा और इसको रिड्यूसिंग एजेंट कहूंगा। ऐसा क्यों, कंफ्यूज नहीं होना, एक बार दो बार वीडियो रिपीट करोगे समझिएगा, बहुत आसान है, चिंदी एकदम, ठीक है। सो Br2 ही वो है जो कि Mg को दो इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए एकदम ऐसा, मतलब उसको ऐसा कर दिया कि तू दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ही करेगा। Br2 ने ही उसको पूरा इनिशिएट किया है कि वो दो इलेक्ट्रॉन लॉस करे, मतलब Br2 ने ही जानबूझ के इसको ऑक्सीडाइज करवाया है Mg को, इसीलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर Br2 बगल में नहीं होता तो कभी Mg दो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता, समझा, क्योंकि Br2 ही गेन करने के लिए रेडी था, यानी कि Br2 ही वो रीजन बन गया जिसने Mg को ऑक्सीडाइज करवा दिया, यानी कि इसीलिए इसको मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहूंगा। एक ऐसा एजेंट जो सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवाता हो, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो सामने वाले का इलेक्ट्रॉन लॉस करवाता हो। और रिड्यूसिंग एजेंट वो कहलाता है जो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन खुद देता हो। जैसे कि अब यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में समझ लो, अब अगर मान लो Mg के बगल में Br नहीं होता तो क्या Mg कभी अपने इलेक्ट्रॉन देता, और अगर मान लो Br नहीं होता तो कोई लेता क्या, नहीं। यानी कि यहां पे क्या हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट ही यहां पे क्या कर रहा है, जो रिड्यूस करवा रहा है, यानी कि अगर मान लो Mg नहीं होता तो Br2 कभी दो इलेक्ट्रॉन लेता नहीं, यानी कि कभी वो रिड्यूस नहीं होता, कभी वो रिड्यूस नहीं होता। अब Mg बगल में तभी ना वो रिड्यूस हुआ, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट ये है। अगर Mg है तभी Br2 ने दो इलेक्ट्रॉन गेन किया, और इसीलिए अपना Mg ये अपना रिड्यूसिंग एजेंट बन गया, क्योंकि इसने सामने वाले को रिड्यूस कर दिया, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उसको ऐसा कर दिया कि तू इलेक्ट्रॉन अब लेगा ही लेगा, उसको जबरदस्ती रिड्यूस करवा दिया। तो रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को रिड्यूस करवा देता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवा देता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवाते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट सामने वाले को रिड्यूस करवाते हैं। रिड्यूस इन द सेंस कि सामने वाले को ऐसा कर देते कि तू इलेक्ट्रॉन अब गेन करेगा ही करेगा, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बाध्य कर देते हैं, फिक्स कर देते कि तू अब इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा, उसको ऐसा डिपेंड कर देते हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले को क्या कर देते हैं कि तू इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ही करेगा, यानी कि सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लॉस करवा देते हैं। तो लॉस करवा के क्या करेंगे, खुद ही रखते हैं ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, अगर सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लॉस करवाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन खुद ही गेन करेगा। और रिड्यूसिंग एजेंट अगर इलेक्ट्रॉन सामने वाले को गेन करवा रहा है कि वो तू इलेक्ट्रॉन लेगा ही लेगा, तो ये खुद लॉस करेगा, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट ही ऑक्सीडाइज होते हैं, समझ गया, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही रिड्यूस होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। अब अगर मैं किसी को जाके कह रहा हूं कि तू इलेक्ट्रॉन क्या कर, अगर मैं Mg को जाके बोलूं, मैं खुद Mg को बोलूं कि तू मुझे दो इलेक्ट्रॉन दे दे, तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक एजेंट हूं जो कि मैं सामने वाले को बोल रहा हूं कि तू दो इलेक्ट्रॉन दे, तो दे तो देगा पर किधर जाएगा, तो फिर मुझे ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, मैं ही वो दो इलेक्ट्रॉन रखूंगा अपने पास। यानी कि मैं इलेक्ट्रॉन रख लिया, मतलब मैंने रिडक्शन कर लिया अपना खुद का, मैंने खुद अपना रिडक्शन कर लिया, मैं खुद रिड्यूस हो गया, समझ गया अच्छे से। तो मैं खुद यहाँ पे रिड्यूस हो गया, यानी कि मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं क्योंकि मैंने सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लॉस करवाया है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है, समझ गया अच्छे से। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए मैं बार बार यहाँ पे इन चीजों को आपको बता रहा हूँ। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सामने वाले का इलेक्ट्रॉन लॉस करवाते हैं, बट जब वो लॉस कर देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन खुद रख लेते हैं, जैसे कि Br2 यहाँ पे खुद इलेक्ट्रॉन को रख लिया और खुद का अपना रिडक्शन कर लिया और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, सामने वाले को बोलते हैं तू इलेक्ट्रॉन ले ले, तो बोलेगा ले तो लो बट कोई देगा तब ना, तो ये खुद जाके इलेक्ट्रॉन देंगे, भाई तू ले मैं तेरे को खुद देता हूं, तू इलेक्ट्रॉन रख ले, तो जब इलेक्ट्रॉन रख लेगा तो ये खुद इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया रिड्यूसिंग एजेंट ने, और सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसको रिड्यूस करवा दिया, समझ गया। तो इस तरीके से गाइस आपको ध्यान रखना है, रिड्यूसिंग एजेंट दो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा और सामने वाले इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तो वो खुद रिड्यूस हो जाएगा और इसने अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया, मतलब लॉस कर दिया अपने इलेक्ट्रॉन को। तो रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है, अब तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और जो रिड्यूस जो हुआ, यानी वो भी इलेक्ट्रॉन गेन ही कर रहा है ना, और ऑक्सीडाइज हुआ इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट ही ऑक्सीडेशन करते हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही आपका रिडक्शन करते हैं। तो इस तरीके से आपको इसमें डिफरेंस याद रखना है। अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो रिड्यूस करने की पावर है वो बढ़ रही है। अगर मैं कहूं कि ऑक्सीडाइजिंग, अब यहां पे यही चीज तो समझना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अभी बताऊंगा। अगर मैं बोलूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ रही है,
सो इसका मतलब क्या है कि सामने वाले को इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए ज्यादा ये उसे क्या कर सकता है, ज्यादा उसे डिपेंडेंट कर सकता है कि तू इलेक्ट्रॉन अब ज्यादा लॉस करेगा, ये ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। मतलब सामने वाले को ज्यादा ये मतलब कर देगा कि वो सामने वाला ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करे, ज्यादा उसको बाध्य कर देगा कि हाँ तू अब इलेक्ट्रॉन को मतलब लॉस कर दे। समझ गया, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर पावर बढ़ती है तो ज्यादा पावरफुल बनता है और दूसरे के ऊपर वो ज्यादा प्रेशर लगाए कि हाँ तू अब इलेक्ट्रॉन लॉस कर। समझा, यानी कि सामने वाला अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइज ज्यादा हो सकता है, ऑक्सीडाइज ज्यादा हो सकता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर किसी की ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है मतलब सामने वाला ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा और ये खुद ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। अगर मान लो Mg है, मान लो सपोज मैं हूं, ठीक है, ये सपोज मैं हूं, ठीक है, और मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, यानी कि मैं क्या करता हूं, मैं खुद इलेक्ट्रॉन गेन करने का काम करता हूं। समझ गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं ना मैं, सामने वाले को बोलूंगा तू इलेक्ट्रॉन लॉस कर, मैं सामने वाले को बोलता हूं लॉस कर, वो लॉस करेगा तो फिर मैं ही गेन करूंगा ना, यानी कि मैं इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला हूं, ठीक है, और मैं यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया क्योंकि मैं यहां पे रिड्यूस हो रहा हूं, मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। तो अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही है इसका मतलब क्या है कि मैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हूं, यानी कि मैं ज्यादा रिड्यूस हो रहा हूं, यानी मेरी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा बढ़ रही है, यानी कि मैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता हूं। तभी ना मेरे मतलब देखो सिंपल सी बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को बोलता है तू लॉस कर, उसको लॉस करवाने में हेल्प करता है, यानी सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवाता है। सामने वाला ऑक्सीडाइज करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, सामने वाला इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो जब वो लॉस करेगा तो यानी कि मैंने सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दिया, यानी कि मैं कौन सा एजेंट हुआ, मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, मैं ऑक्सीडाइज करवाने वाला एजेंट हुआ। जब ऑक्सीडाइज सामने वाला करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन मैं ही लूंगा ना, और जब मैं इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हूं सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवा के, मैं इलेक्ट्रॉन जब गेन कर रहा हूं तो मैं कौन सा बन गया, मैं रिड्यूस हो गया ना, यानी कि मैंने रिडक्शन कर लिया खुद का, मैंने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया मतलब मैंने रिडक्शन कर लिया खुद का, क्योंकि रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो मेरी पावर जितनी बढ़ेगी उतना मैं सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवा पाऊंगा, यानी मैं उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन कर पाऊंगा, यानी कि मेरी सामने वाले को रिड्यूस कर, यानी कि मेरे खुद को रिड्यूस करने की पावर ज्यादा बढ़ेगी और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की पावर ज्यादा बढ़ेगी। समझा कि नहीं, अगर मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती है तो। समझ गया अच्छे से, तो वही चीज गाइज अभी होने वाली है आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो वही चीज आपको समझ के रखनी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। अब अगर मान लो गाइज, सपोज दैट मैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, मैं फिर से आपको बताता हूं, सपोज दैट आई एम अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो मैं क्या करूंगा, और ये मान लो कोई एक ए इंसान है, मैं अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको बोलूंगा तू अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर, क्योंकि मैं ऑक्सीडाइज करवाने का काम करता हूं, जैसे LIC के एजेंट LIC करवाते हैं, सो वैसे ही मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं, मैं बोलूंगा सामने वाले को तू इलेक्ट्रॉन लॉस कर, तू ऑक्सीडाइज हो जा, ऑक्सीडाइज हो जा मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, तो ये लॉस तो कर देगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन जाएगा किधर, तो उसको मैं ही गेन करूंगा। समझ गया, तो यानी कि मैं क्या कर लिया अपने आप का, खुद का, मैंने खुद का रिडक्शन कर लिया, यानी कि मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं और अगर मैं सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा हूं तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को मैं खुद रखूंगा, यानी कि मैं सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके मैं खुद रिड्यूस हो जा रहा हूं। समझ गया अच्छे से, यानी कि मेरी रिडक्शन की पावर ज्यादा बढ़ रही है, यानी कि मेरे इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत बढ़ रही है। अगर मेरे इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत बढ़ रही है इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सामने वाले को ऑक्सीडाइज करने की ताकत भी अपनी बढ़ा रहा हूं, मतलब सामने वाले को मैं ज्यादा ऑक्सीडाइज कर रहा हूं, तभी ना मैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर गाइस स्ट्रेंथ बढ़ती है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो रिडक्शन होता है, रिडक्शन की पावर बढ़ रही है, यानी इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत बढ़ रही है। समझ गया अच्छे से, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ताकत स्ट्रेंथ बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ताकत बढ़ रही है, यानी कि रिडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो आप क्यों कंफ्यूज हो, जानते हो ऑक्सीडाइजिंग और रिडक्शन, रिडक्शन एक रिएक्शन होता है और एजेंट मतलब एक एजेंट जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवाता है, एजेंट और रिडक्शन रिएक्शन में डिफरेंस होता है धरती आसमान का, ठीक है। ये बातें आपको समझ के रखनी है, ठीक है। तो इसीलिए कंफ्यूज आप कभी ना हो, इसीलिए मैंने बोला लास्ट का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, और इसे आपको कभी भूलना नहीं है। तो अभी मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लेके चलूंगा और वहां पे आपको अच्छे समझाऊंगा कि अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ताकत बढ़ती है तो उसका रिडक्शन कैसे इंक्रीज होता है, उसका जो रिडक्शन की ताकत है वो कैसे इंक्रीज होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने की ताकत कैसे बढ़ेगी। तो सिंपल ही बात है, अगर आप LIC एजेंट हो, सामने वाले का LIC करवा ले तो उसका पैसा आप मिलेगा ना आपको, तो आप पैसे लेने वाले बन जाओगे। समझ गया, तो वही सिंपल सा है, अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो और आप सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा ना इलेक्ट्रॉन को, तो वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा ना, और जब गाइस वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो आप इलेक्ट्रॉन गेन करोगे, यानी कि आपका रिडक्शन हो जाएगा, आप इलेक्ट्रॉन लेने में माहिर बन जाओगे क्योंकि आप सामने वाले को ऑक्सीडाइज करवाने में माहिर हो, क्योंकि आप एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। समझ गया, तो ये बातें आपको समझनी है। सिमिलरली फॉर रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, सपोज ये रिड्यूसिंग एजेंट है
और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये सामने वाले को रिड्यूस करने का काम करता है। मान लो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, सामने वाले को रिड्यूस करेगा। ये क्या बोलता है कि तू रिड्यूस हो जा, इसको बोलता है तू रिड्यूस हो जा। रिड्यूस होने का मतलब है कि ये तू इलेक्ट्रॉन गेन कर। ये ए बोलेगा मैं किधर से इलेक्ट्रॉन गेन करूं, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये कौन है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये बोलेगा कि तू इलेक्ट्रॉन गेन कर। ये बोलेगा, ए बोलेगा मैं किधर से गेन करूं, तो बोलेगा मैं देता हूं ना, मेरे से इलेक्ट्रॉन ले ले। तो इलेक्ट्रॉन ले इससे लेके और ये अपना क्या करेगा, गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन को, अपना ए इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। और जब ए ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसका मतलब क्या है कि ये लॉस कर रहा है, इसका मतलब कि रिड्यूसिंग एजेंट अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। अब अगर मान लो रिड्यूसिंग एजेंट अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, यानी कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा ना, रिएक्शन कौन सा करेगा, ये ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। और एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसकी वजह से वो रिडक्शन करे, तो सामने वाले को रिडक्शन करवा रहा है, यानी कि ये कौन सा एजेंट है, रिडक्शन करवाने वाला एजेंट है, यानी कि रिडक्शन रिएक्शन करवाने वाला एजेंट है, यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट है, सामने वाले को रिड्यूस करता है। बट इसको ये नहीं पता कि अगर मैं सामने वाले को अपने इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो मैं अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा हूं, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब मैं खुद ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा मेरे को। समझ गया अच्छे से, ठीक है? तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? तो चलो गाइस, अभी मैं आपको लेके चलता हूं अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जहां से आपको अच्छे से समझेगा, वहां पे बहुत सारा पूरा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के हिसाब से सारी चीजें दी हुई है, आपको अच्छे से समझ जाएगा, ठीक है? तो गाइस अभी अपने पास देखो ये है अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है पूरी की पूरी, ये पूरी आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, इसके बारे में अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है? देखो यहाँ पे बहुत, जैसे कि देखो अगर मान लो सपोज दैट आपके सामने कोई भी एक रिएक्शन अगर लिखा हुआ है, कोई भी आप उठा लो, जैसे कि मैं यहाँ पे कॉपर उठाता हूँ, ठीक है, कॉपर का, तो इसका मतलब जानते हो क्या लिखा हुआ है, ठीक है, कॉपर 2+ अगर ये लिखा है और यहाँ पे कॉपर लिखा हुआ है, इसका मतलब पहले समझ लो, इसका मतलब ये है कि इधर से ये जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है और कॉपर बना है, जैसे कि कॉपर 2+ ने प्लस किया है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके और ये कॉपर बनाया है, यानी कि इसने रिड्यूस किया अपने आप को, रिडक्शन किया इसने, ठीक है? तो वैसे भी जितने यहाँ पे लिखे हुए ना, सबके सब रिडक्शन रिएक्शन ही लिखा हुआ है। देखो सबके सब इलेक्ट्रॉन कितने ना कितने, कोई एक, कोई दो, कोई तीन, चार, पांच ऐसे गेन कर रहे हैं, ठीक है? और इनका जो यहाँ पे पोटेंशियल लिखा हुआ है, कोई प्लस में पोटेंशियल है, फिर आगे जाओगे ना, फिर देखो यहाँ पे माइनस में आपको पोटेंशियल मिलेगा, तो आगे चल के आपको माइनस प्लस में, ऐसे प्लस में कम होते जा रहा है पोटेंशियल, फिर आपको जीरो मिल गया, फिर आगे चल के माइनस में मिलेगा। तो इस तरीके से पोटेंशियल यहाँ पे लिखा हुआ, सभी का अपना अपना पोटेंशियल लिखा हुआ है और यहाँ पे सभी का अपना अपना रिडक्शन का रिएक्शन लिखा हुआ है। जैसे कि अभी देखो एच जी यहाँ पे लिखा हुआ था, एच जी 2+ का मतलब जानते हो, इस रिएक्शन का मतलब क्या है, इस रिएक्शन का मतलब ये है कि एच जी 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके एच जी बना दिया। ये लाइन जो लिखी, ये लाइन का इस साइड जो रहेगा वो आपका प्रोडक्ट है, और एच जी 2+ का देखो यहाँ पे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन करके एच जी बना दिया, समझ गया? और अगर यही चीज कुछ ऐसे लिखी होती, एच जी और एच जी 2+ अगर ऐसे लिखा होता तो क्या होता, तो इसका मतलब ये होता कि एच जी ने 2 इलेक्ट्रॉन अपने लॉस किए हैं और फिर जाके इसने बनाया। देखो एच जी 2+ बाद में आया और एच जी यहाँ पे पहले आ गया, समझ गया? इसका मतलब ये हो गया और इस रिएक्शन का मतलब देखो ये हो गया, समझ गया? तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रखना है और इस तरीके से याद रखना है, ठीक है? तो ये रिएक्शन का मीनिंग मैंने बता दिया किस तरीके से, ये आपका पूरा रिडक्शन रिएक्शन है, वो उसकी वैल्यूज है पोटेंशियल की, आप जो पोटेंशियल की आपकी पावर है। अब जो मैं बता रहा था कि वो आपका ऑक्सीडेशन इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, रिडक्शन इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट की पावर बढ़ेगी तो क्या होगा, ऐसे सब कुछ मैं आपको यहाँ पे सिखा देता हूँ कि जो अगर मान लो पावर बढ़ती है, डिक्रीज होती है तो क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लो। ओके गाइस, चलो तो गाइस मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अगर पावर इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है तो क्या होता है। देखो सो सिंपल एकदम, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, पहली पावर पे आपको थोड़ा फोकस करो, सबसे पहले वाले पॉइंट पे आपको फोकस करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मान लो कोई भी अगर आपके सामने यहाँ पे क्या लिखा है कि इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, उल्टा लिखा हुआ थोड़ा सा, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट ये लिखा हुआ है, यानी कि सिंपल सी बात है, जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है उसका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, उसका स्ट्रेंथ अगर बढ़ रहा है मतलब रिड्यूसिंग एजेंट की ताकत बढ़ रही है, यानी कि इसकी रिड्यूस करने की ताकत बढ़ रही है। तो मगर अगर मान लो आपके पास सामने कोई भी एक ए नाम का एलिमेंट है, तो अगर आपकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही है, अगर आप ऊपर से नीचे जाते हो तो, ये ऊपर से नीचे जाने के लिए है, ठीक है, ये जो है ये ऊपर से नीचे जाने के लिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो आपको अभी दिख जाएगा, ये देखो पूरा का पूरा, देखो यहाँ पे आपको ये दिख गया होगा, ऊपर से नीचे आने के लिए, और ये जो है ये नीचे से ऊपर जाने के लिए, ठीक है? तो ये चीजों को थोड़ा फोकस रखो अच्छे से आप लोग, ठीक है, इस तरीके से आपको थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा। चलो अब यहाँ पे देखते हैं, तो अगर गाइस मान लो ये मैं एक रिड्यूसिंग एजेंट हूं और मेरी ऊपर से नीचे जाता तो मेरी ताकत बढ़ती है, मतलब देखो पहले कैसा था, यहाँ पे देख सकते हो आप 0.15 तक आया ऊपर से, फिर जीरो हो गया, फिर माइनस में आ गया, मेरी सारी वैल्यू मेरी माइनस में हो गई, यानी ऊपर से नीचे जा रहा हूं तो मेरे रिड्यूसिंग एजेंट जो हूं मैं, मेरी ताकत बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं सामने वाले को ज्यादा रिड्यूस करवा सकता हूं,
यानी कि मैं सामने वाले को रिड्यूस ज्यादा करवा सकता हूँ। रिड्यूस सामने वाले का करवाना मतलब कि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन में उसको गेन करवा सकता हूँ, यानी कि मैं चाहूँ तो उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे के उसको ज्यादा उसका रिडक्शन करवा सकता हूँ, यानी कि वो ज्यादा रिडक्शन उसका हो जाएगा, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसको देगा कौन? मैं ही दूंगा ना, यानी कि मैं अपने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता हूँ, यानी कि मैं ज्यादा ऑक्सीडाइज हो सकता हूँ, तो मैं खुद से ऑक्सीडाइज होने की ताकत मेरी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि मैं ज्यादा ऑक्सीडाइज होऊंगा ना तो मेरी ऑक्सीडाइज होने की ताकत ज्यादा होगी। ऑक्सीडाइज मतलब मैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन दूंगा तो मैं ऑक्सीडाइज ही होऊंगा ना, तो मेरी ऑक्सीडाइज करने की ताकत ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी क्योंकि मैं ज्यादा इलेक्ट्रॉन जब दूंगा किसी को लॉस करूंगा तो मैं ज्यादा ऑक्सीडाइज हो जाऊंगा, और जब मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा तो सामने वाला क्या होगा? रिड्यूस होगा, इसीलिए तो मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं, क्योंकि मैं सामने वाले को रिड्यूस कर देता हूं। समझ गया? तो ये आपको अभी समझ गया होगा अच्छे से, ओके। तो अगर मेरी रिड्यूसिंग पावर बढ़ रही है मतलब मेरे ऑक्सीडाइज होने की ताकत भी बढ़ रही है, ठीक है। यानी कि अगर मैं टॉप से बॉटम में आ रहा हूं और ये देखो मेरे जो पोटेंशियल की वैल्यू माइनस में जा रही है, तो जितनी ज्यादा माइनस में वैल्यू रहेगी इसका मतलब उतना ज्यादा मेरे रिड्यूस करने की ताकत ज्यादा है, यानी कि मैं सामने वाले को इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा दे सकता हूं। समझ गया? और जितने ज्यादा मैं सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं मतलब वो मैं खुद उतना ऑक्सीडाइज हो सकता हूं, क्योंकि मैं जितना ज्यादा अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करूंगा उतना ही मैं ऑक्सीडाइज होऊंगा ना, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। तो फिर आप बोलोगे रिड्यूसिंग एजेंट क्यों? क्योंकि मैं सामने वाले को रिड्यूस करवाना हूं ना, इसलिए मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं। मैं कौन सा एजेंट हूं? मैं क्या करने वाला एजेंट हूं? मैं रिड्यूस करवाने वाला एजेंट हूं। मैं अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करके सामने वाले को रिड्यूस करवाता हूं, तो मैं जितने इलेक्ट्रॉन दूंगा उतना सामने वाला रिड्यूस होगा, यानी कि मेरी ताकत उतनी बढ़ेगी, यानी कि मैं ज्यादा उतना ही ऑक्सीडाइज होऊंगा। समझ गया? तो ये थोड़ा सा यहाँ पे फंडा है। और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अगर सपोज दैट गाइस मैं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ और मेरे सामने एक कोई बंदा है और मुझे उसे ऑक्सीडाइज करवाना है, यानी कि मैं उससे इलेक्ट्रॉन लूंगा, यानी कि मैं उससे इलेक्ट्रॉन छीन के ले सकता हूं। समझ गया? अब मैं जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूंगा उतना ज्यादा मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। समझा? यानी कि मैं जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले रहा हूं, यानी कि मैं खुद इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो रहा हूं? मैं रिड्यूस हो जा रहा हूं। बट मैं सामने वाले से इलेक्ट्रॉन ले लिया मतलब उसने क्या किया? ऑक्सीडाइज किया उसने, यानी कि मैं सामने वाले को ज्यादा ऑक्सीडाइज करवा सकता हूं, क्योंकि मैं सामने वाले से इलेक्ट्रॉन छीन के उतना ज्यादा ले सकता हूं। और अगर मैं सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लूंगा तो मैं रिड्यूस हो गया ना। समझा कि नहीं? अगर मैं सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लिया तो मैं रिड्यूस हो गया, और जब मैं रिड्यूस हो गया तो मतलब कि मैं जब रिड्यूस हो गया मतलब मैंने रिडक्शन किया, मैंने रिडक्शन किया क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, बट मैंने सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर दिया, यानी कि मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूं। मैं कौन सा एजेंट हूं? मैं ऑक्सीडाइज करने वाला एजेंट हूं। तो अगर मेरी ताकत बढ़ रही है इसका मतलब क्या है? कि मेरे अंदर रिडक्शन करने की ताकत भी बढ़ रही है, क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉन गेन करने की ताकत रखता हूं, मेरे इलेक्ट्रॉन गेन करने की ताकत भी बढ़ रही है। तो अब गाइस आपको यहां पे दिखाता हूं कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन गेन करने की ताकत बढ़ रही है, आपको भी समझ जाएगा अच्छे से, बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको समझेगा। देखो देखो यहां पे आके देखो अच्छे से। देखो जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं, यहां पे आपको फोकस करना है, जैसे जैसे मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा, देखो यहां पे दो दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हो, देखो तीन तीन, दो दो, तीन तीन, दो दो, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन यहां पे गेन कर रहा है, आपको दिख रहा होगा। उससे मतलब भी नहीं, पर यहां पे वैल्यू देखो ना कितनी ज्यादा है, +2.870 है। प्लस मतलब कि ये ज्यादा ऑक्सीडाइज हो सकता है, ये ज्यादा Fe जो है, ये F फ्लोरीन लिखा है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज कर सकता है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। समझा? मतलब ये ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ज्यादा ज्यादा सामने वाले से इलेक्ट्रॉन छीन सकता है। समझा कि नहीं? यानी कि इसकी वैल्यू ज्यादा है यहाँ पे, +2.87 है, क्योंकि ये ज्यादा सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। समझ गया? क्योंकि ज्यादा खुद ही ऑक्सीडाइज हो सकता है, ये खुद ऑक्सीडाइज करवा सकता है सामने वाले को, इसलिए इसकी इंक्रीजिंग पावर बढ़ रही है। और ऐसी सिमिलरली डिक्रीजिंग पावर रिड्यूसिंग एजेंट की, तो माइनस जितनी ज्यादा वैल्यू उतना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट की ताकत ज्यादा, जितना प्लस वैल्यू उतनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वैल्यू ज्यादा। समझ गया? ये बातें आपको समझनी है, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस था अपना ये पूरा का पूरा वीडियो का पार्ट, और आज से अपना कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, और ये जो लास्ट का पार्ट था इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का पार्ट था, तो इसे कभी मिस मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।